Hello students, myself Akshay Joshi from Shri Jain Public School welcomes you in another online classes of EVS. ठीक है, आज हम EVS जो है उसका फर्स्ट चैप्टर जो है आज पढ़ेंगे. ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिफ्थ क्लास के लिए EVS का हमने जो है एक बेसिक वीडियो भेजा था प्रीवियस वीक में, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो आप देखें, काफी आपके लिए बेनिफिशियल होगा. ओके, और मैं आपको उससे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी जो कोर्स बुक है वो ये वाली रहेगी, नवनीत की सैपलिंग्स. ठीक है, क्लास फिफ्थ के लिए नवनीत की सैपलिंग्स जो है बुक रहेगी. ठीक है, तो मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है सारी बुक्स, तो आप जल्द से जल्द लाके और लेके आ जाएं और अपनी पढ़ाई जो है उसकी शुरुआत करें. ठीक है, तो आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे, नोइंग द पीपल अराउंड. ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर मैंने नाम लिख दिया उसको, नोइंग द पीपल अराउंड. ठीक है, इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 9 है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चेंजेस इन द फैमिली, यहां से स्टार्ट करते हैं हम इसको. चलिए, तो वंदना लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर इन बेंगलुरु. हर ग्रैंड पेरेंट्स हैव कम टू स्टे विद देम. वंदना जो है अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी छोटी बड़ी बहन के साथ जो है बेंगलुरु में रहती है. उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके दादा दादी जो हैं, वो उनसे मिलने के लिए या उनके साथ रहने के लिए कुछ समय के लिए वहां पर आए हैं. ठीक है, वंदना लव्स टॉकिंग टू हर ग्रैंडफादर अबाउट हिज चाइल्डहुड. वंदना जो है अपने जो दादाजी से उनके बचपन के बारे में जो है किस्से सुनना उसको बहुत पसंद था. ठीक है ना, ही टोल्ड हर, उनके दादाजी क्या बताते थे कि ही टोल्ड हर दैट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो छोटे थे, उनके जब वंदना के दादाजी बता रहे हैं वंदना को कि जब वो छोटे थे. ठीक है, तो हिज फैमिली इंक्लूडेड नॉट ओनली हिज पेरेंट्स, उनके परिवार में सिर्फ उनके पेरेंट्स ही नहीं रहते थे, उनके यंगर ब्रदर, उनके पैटर्नल ग्रैंड ब्रदर्स और उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है. ठीक है ना, मतलब उनकी भी मम्मी, मतलब उनके ग्रैंड फादर की भी मम्मी, ये सब तो रहते ही थे, बट उसके साथ और भी कौन रहता था, बट ऑल्सो हिज फोर अंकल्स. ठीक है ना, उनके चार ब्रदर, मतलब जो भी वंदना के ग्रैंड फादर थे उनके भी जो चार ब्रदर्स थे, मतलब उनके जो अंकल्स थे वो भी रहते थे, उनकी भी वाइफ रहती थी और उनके भी चिल्ड्रन जो है रहते थे. तो वंदना वॉज अमेज्ड टू हियर दैट. वंदना जो है इस सबको सुनकर काफी उसको आश्चर्यचकित लगा कि आप इतने सारे जने जो है एक साथ घर में रहते थे. ठीक है ना, हर ग्रैंड फादर ऑल्सो टोल्ड हर दैट वेन ही वॉज 10 ईयर्स ओल्ड देर वेर 20 मेंबर्स इन हिज फैमिली. ठीक है ना, उन्होंने बताया, दादाजी ने वंदना को बताया कि जब वो 10 साल के थे तब उनके घर में जो है 20 मेंबर्स जो है रहते थे. ठीक है, बाय द टाइम वंदना ग्रैंड फादर वॉज 16 हिज फैमिली हैड श्रंक टू 14 पीपल्स. ठीक है, समय के साथ साथ जैसे वंदना के जो ग्रैंड फादर थे वो 16 साल के हुए, तो उनकी जो फैमिली जो है श्रंक होने लगी. श्रंक मतलब क्या होता है, ऐसे चार यूएंग के श्रंक मतलब कम होने लगी, छोटी होने लगी. ठीक है, श्रंक टू 14 पीपल्स. ठीक है ना, पहले कितने लोग रहते थे, 20 लोग, पर अब धीरे धीरे जब वो 16 साल के हुए तो उनकी फैमिली श्रंक होने लग गई, 14 लोग ही रहने लग गए. क्यों, उनके जो दो अंकल्स थे, टू ऑफ हिज अंकल्स गॉट गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिल्ली. ठीक है ना, उनके जो दो अंकल्स थे उनको जो बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी थी कहां पर, दिल्ली में, तो वो कहा हो गए थे अपने फैमिली के साथ, क्या हो गए, वहां शिफ्ट हो गए थे. यहाँ पे जो फैमिली के मेंबर्स क्या हो गए थे, उनकी फैमिली में कम हो गए थे. हिज अंकल्स एंड देयर फैमिलीज लिव टुगेदर इन दिल्ली व्हाइल द रेस्ट ऑफ देम लिव टुगेदर इन देयर फैमिली होम. ठीक है, उनके जो अंकल, दोनों अंकल थे और उनकी जो फैमिली थी, उनके जो भी बच्चे थे वो सब कहां पे शिफ्ट हो गए, दिल्ली में शिफ्ट हो गए. ठीक है ना, तो बची हुई जो फैमिली थी वही उनके साथ रहती थी. इन वंदनास ग्रैंडफादर फैमिली सेवरल जनरेशन लिव्ड टुगेदर. वंदना की जो ग्रैंडफादर की फैमिली थी उसमें काफी जनरेशन जो है साथ रहते थे, मतलब उनके दादा, ग्रैंडफादर के भी पापा, उनके भी पापा, ये सब साथ मिलके जो है सेवरल जनरेशन जो है साथ में उन्होंने गुजारी थी. आगे बढ़ते हैं, अर्लियर मोस्ट पीपल्स लिव्ड इन लार्ज ज्वाइंट फैमिलीज. ठीक है ना, पहले के जमाने में जो है काफी लोग जो है लार्ज और बहुत बड़ी फैमिली ज्वाइंट फैमिलीज में रहते थे. सेवरल जनरेशन लिव्ड टुगेदर, काफी जो है पीढ़िया एक साथ रहती थी. ठीक है ना, लिव्ड टुगेदर अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे या एक ही घर के अंदर जो है काफी लोग जो है रहते थे, काफी पीढ़िया रहती थी. ठीक है, पापा के पापा के पापा सब एक साथ रहते थे. ठीक है, उनके भी फिर लड़के या सब, पर कुल मिला के सारी बहुत लार्ज और ज्वाइंट फैमिली जो है एक ही छत के अंदर, एक ही घर के अंदर पहले के जमाने में रहती थी. ठीक है, अब तो काफी मुश्किल हो गया, इतना मिलता नहीं. ठीक है, नाउ डेज मोस्ट पीपल लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज. पर अब जो आपका समय चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, वो क्या हो गया है, मैनी पीपल्स लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज. न्यूक्लियर मतलब क्या, बहुत छोटी फैमिलीज जो है आजकल रहने लग गई. ठीक है, वंदना यूज टू लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स. वंदना जो है अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहती थी अपने दादाजी के साथ, मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. हर मदर वाज अ होम मेकर.
ठीक है ना, उसकी मम्मी जो थी क्या थी, होम मेकर्स थी, वाइल हर फादर यूज टू वर्क इन अ बैंक, और उनके पापा पिताजी क्या करते थे वंदना के, बैंक में काम करते थे। हर ग्रैंड मदर एंड मदर यूज टू शेयर हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है ना, उनकी जो दादी माँ थी और उनकी जो मम्मी थी किसकी, वंदना की, वो क्या करते थे, घर का काम सब संभालते थे, हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। हर ग्रैंड फादर यूज टू पिक हर एंड हर सिस्टर अप फ्रॉम द स्कूल, और उनके दादाजी क्या काम करते थे, उनकी जो छोटी सिस्टर थी, ठीक है ना, वंदना की, उनको स्कूल से लाना और ले जाने का काम कौन करता था, दादाजी काम करते थे ये वाला। इन द इवनिंग ही यूज्ड टू हेल्प देम विद देयर होमवर्क एंड प्ले गेम्स विद देम, ठीक है ना, और उनकी छोटी सिस्टर के साथ जो है दादाजी क्या करते थे, शाम के समय उनकी पढ़ाई में भी मदद करते थे और खेलते भी थे। तो ये जो है दादाजी काम करते थे और दादी में जो है मम्मी का हाथ बताती थी उनके घर के कामों में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, व्हेन वंदना फादर गॉट ट्रांसफर टू बेंगलुरु, जब वंदना के फादर का जो ट्रांसफर हुआ बेंगलुरु में, तो हर ग्रैंड फादर्स डिड नॉट वांट टू शिफ्ट, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो क्या होते हैं, उन्होंने क्या बोला कि हम वहां बेंगलुरु में शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं। नाउ वंदना लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली, अब जो है वंदना काफी छोटी परिवार में जो है हो गई, ठीक है, क्योंकि बेंगलुरु में आ गए हो तो वहां पे सिर्फ इन बेंगलुरु हर मदर स्टार्टेड वर्किंग, ठीक है ना, बेंगलुरु में आकर उनकी मम्मी ने भी जो है काम करना शुरू कर दिया। हर पेरेंट्स कम बैक फ्रॉम वर्क एंड डू द हाउस होल्ड चोर्स, उनके पेरेंट्स दोनों ही पेरेंट्स क्या होने लग गए, काम पे जाने लग गए और सारे जो है घर का काम फिर वो आके करते थे। व्हाइल हर सिस्टर हेल्प हर विद हर द होमवर्क, और बाकी जो उनकी सिस्टर थी वो उनके होमवर्क में और उनकी पढ़ाई में जो है मदद करती थी। टू हेल्प देयर पेरेंट्स वंदना एंड हर सिस्टर ऑल्सो शेयर द हाउस होल्ड वर्क, ठीक है ना, अपने पेरेंट्स की हेल्प करने के लिए वंदना और उनकी जो सिस्टर थी वो अपने जो है पेरेंट्स का जो है हाथ बटाती थी और उनके घर के कामों में, ठीक है। तो आप लोगों को भी, जैसे वंदना और उनकी सिस्टर काम करती हैं, आपको भी इसी तरह से अपने परिवार, अपने पेरेंट्स का जो है घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए जब भी आपको समय मिले, ठीक है। देखते हैं आगे, बींग रिस्पॉन्सिबल करके एक आपको कॉलम दे रखा है, तो उसको देखो, उसमें क्या लिखा हुआ, फरहान लिव्स इन अ सिंगल पेरेंट फैमिली, मदर वर्क इन अ बैंक, व्हेन शी कम बैक फ्रॉम वर्क She does all the household chores alone. Farhan does not help her with anything. Imagine yourself as a Farhan friend. Think about any four ways in which we can help his mother. ठीक है ना, फरहान जो है सिंगल पेरेंट फैमिली है, मतलब खाली उनकी मम्मी है, फादर नहीं होंगे, ठीक है। तो उनकी मदर जो है बैंक में काम करने जाती है, जब वो वापस घर आती है तो she does all the household chores alone. Farhan does not help with her with anything. Imagine yourself as Farhan. ठीक है, तो फरहान जो था वो कुछ भी घर का काम नहीं करता था, ठीक है। तो अगर आप फरहान के फ्रेंड है तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनकी मम्मी का जो है उनको हाथ बटाना चाहिए, तो ऐसे कौन से तरीके हैं चार, तो आप इसको देखिएगा करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक वंदना फादर पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, जैसे वंदना के फादर जो है जिनका ट्रांसफर हो गया कहां से, बेंगलुरु में ट्रांसफर हो गया उनका, इसी तरह काफी जो ऐसे लोग भाग होते हैं जिनका एक जगह से उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। जैसे हम रीजन देखते हैं, काफी रीजन होते हैं कि उनको अपने परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है, ठीक है ना। हम भी देखते हैं कि हमारे परिवार में पहले बहुत सारे जने थे, पर हमारे शायद ब्रदर की नौकरी लग गई, कहीं जॉब लग गई, तो वो दूसरी जगह चला गया, ठीक है, या फिर हमारे पापा ही कहीं ट्रांसफर हो गया तो हमने दादा दादी के घर को छोड़कर हम दूसरी जगह रहने लग गए। तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते थे, क्या क्या रीजन होते हैं देखते हैं। सम ऑफ देम मूव ड्यू टू द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और टू परस्यू हायर एजुकेशन, ठीक है ना। कुछ लोग काहे के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि उन्हें जो है अच्छी जॉब मिल जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर वो कहीं अच्छी बड़ी एजुकेशन लेने जाते हैं, ठीक है। छोटे शहरों में तो ऐसी जगह ऐसी पढ़ाई मिलती नहीं अच्छी, तो क्या करते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, तो इससे भी फैमिली के मेंबर्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और सम पीपल्स ऑल्सो हैव ट्रांसफरेबल जॉब्स, कुछ लोगों की जो है ट्रांसफरेबल जॉब्स होती है, देखा होगा आपने, ठीक है ना, आपके भी पापा की कभी ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। तो काफी लोगों की जो जॉब्स होती है वो ट्रांसफरेबल होती है, मतलब एक जगह से उनको थोड़े दिन यहाँ काम करते हैं फिर दूसरे का ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, देखा ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सम पीपल्स आर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स बिकॉज ऑफ इमरजेंसी और नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लूड्स। अब कुछ लोग काय के लिए क्यों शिफ्ट होते हैं, क्योंकि कुछ इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है ना। अपने यहाँ तो ऐसा ज्यादा नहीं होता है, पर दूसरी जगह जो है शायद होता हुआ, ठीक है, तो वहां से लोग बाग क्या करते हैं, वहां से शिफ्ट करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वहां पे फिर सब कुछ खराब हो जाता है, बाढ़ आ गई तो वो सब घर बह गया पूरा, ठीक है ना, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो इस कारण भी उन्हें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। पीपल में ऑल्सो गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम, समटाइम्स पीपल लीव और बिल्ड हाउसेज ऑन लैंड्स एंड डू नॉट बिलोंग टू देम, दिस इज इलीगल और नॉट अलाउड बाय लॉ, इन सच केसेस देयर हाउस आर ऑफन डिमोलिश्ड बाय द गवर्नमेंट।
कुछ लोग क्या होते हैं, उन्हें घर से हटा दिया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, देखा हो आपने कोई लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, सरकार की जो जमीन होती है, जो गवर्नमेंट की जमीन होती है, उस पर अपना घर बनाकर रहने लग जाते हैं, जो कि क्या होता है, वो इलीगल होता है। ये तो गलत चीज है, ठीक है ना, वो हमारी जगह थोड़ी, हमारी सरकार की जगह है वो। तो सरकार फिर उससे थोड़े दिन बाद क्या आके उनसे वो जगह ले लेती है, और इस कारण उन्हें वो क्या करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है या फिर घर से उन्हें निकाल दिया जाता है। तो इस कारण भी जो है लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, एक जगह दूसरी जगह मूव करते हैं। एट टाइम्स द गवर्नमेंट एक्वायर सर्टन लैंड्स फॉर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, दिस ऑल्सो रिजल्ट इन पीपल गेटिंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर होम्स, हाउएवर द गवर्नमेंट एंश्योर दैट द डिस्प्लेस्ड पीपल्स आर प्रोवाइड न्यू एरियाज टू लिव। ठीक है ना, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ जगह पे जो है सरकार कुछ अपनी कुछ योजना ला रही हो, ठीक है ना, कोई पुलिया बना रही हो, या फिर कोई कुछ उनकी सरकार की कुछ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उन्होंने करना हो, तो वहां से वो क्या करते हैं, जो भी वहां के जो लोग हैं वहां को उनको क्या करना पड़ता है, खाली करवाना पड़ता है। तो इस कारण भी जो है वो अपना घर छोड़कर उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, चेंजिंग रोल्स। ठीक है, चेंजिंग रोल्स में क्या आएगा, इन डिफरेंट फैमिलीज पीपल टेक अप डिफरेंट रोल, फॉर एग्जाम्पल इन सम फैमिलीज द मदर इज द होम मेकर वाइल इन अदर्स इट कुड बी द फादर। ठीक है ना, इन अलग अलग फैमिलीज में जो है अलग अलग जो लोग हैं जो अलग अलग डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं, है ना। डिफरेंट रोल्स मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल देखें, कुछ फैमिली में जो है मदर होम मेकर होती है, तो कुछ फैमिली में फादर होम मेकर होते हैं। ठीक है ना, कहां कहीं पे मदर जो है घर का काम संभालती है, तो कहीं पे फादर काम घर के संभालते हैं। ठीक है, इट कुड बी रेड इन सम फैमिलीज वन मेंबर्स टेक ऑल द डिसीजन वाइल इन अदर फैमिलीज डिसीजन आर टेक टुगेदर। ठीक है ना, किसी फैमिली में सिर्फ एक ही मेंबर डिसीजन लेता है उस फैमिली, जैसे हमारे पापा हैं वही सब फैमिली का सब भी डिसीजन वही लेते हैं, पर किसी किसी फैमिली में क्या होता है, डिसीजन जो है मिलकर लिया जाता है। ठीक है, व्हेन फैमिलीज चेंजेस द रोल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑल्सो चेंज। ठीक है ना, जैसे जैसे फैमिली चेंज होती है वैसे वैसे मेंबर्स जो होते हैं उनका जो रोल है वो भी क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। ठीक है ना, किसी में मम्मी जो है मेन रोल प्ले करती हैं कि वही जो बोलेंगे वही होगा, या फिर किसी में दादाजी रोल प्ले करते हैं, तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट सभी की फैमिलीज होती हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होता है, चलिए, वंदना हैज अ लॉट ऑफ अदर रिलेटिव्स इन बेंगलुरु, शी मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम एट अ वेडिंग, हर मदर्स कजिन ब्रदर फैमिली लिव क्लोज टू देम, हिज चिल्ड्रन वेदांत एंड अहाना स्टडी इन वंदनास स्कूल। वंदना के और भी जो रिलेटिव्स हैं वो बेंगलुरु में रहते हैं, पर वो उनसे फर्स्ट टाइम कब मिली, किसी वेडिंग में, किसी भी परिवार की शादी वगैरह होती है, परिवार में किसी की होती है तो हम जाते हैं सबसे मिलते हैं, तो वहां जाके हमें पता चलता है कि हमारे तो इतने सारे रिलेटिव्स हैं। ठीक है ना, तो वो अपनी मदर की कजिन ब्रदर फैमिली से मिली, ठीक है ना, जो उसके काफी घर के करीबी है, फिर कहीं बेंगलुरु में ही रहते थे, उनके चिल्ड्रन वेदांत तो रहाना जो कि वंदना के स्कूल में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, ठीक है ना, तो इस तरह से जो एक्सटेंडेड फैमिली किसे कहते हैं, कि जो हमारी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं बट वो हमारे रिलेटिव्स होते हैं। ठीक है ना, वो हम उनके साथ रहते तो नहीं है, बट हम किसी फंक्शन में या फिर किसी भी जगह अगर हमें कुछ एडवाइस चाहिए होती है या फिर कुछ भी काम अगर होता है तो वो हमारी मदद के लिए आते हैं, और ऐसे रिलेटिव जिससे हम अक्सर तो मिल नहीं पाते हैं पर किसी किसी फंक्शन में वगैरह में मिलते हैं, तो उन फैमिली उन मेंबर्स को क्या कहेंगे, एक्सटेंडेड फैमिली कहेंगे। चलिए पेज नंबर 12 पे देखिए, सिमिलर येट डिफरेंट। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ वंदना फैमिलीज आर अलाइक इन सम वेज एंड डिफरेंट इन अदर्स। ठीक है ना, वंदना के जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो कुछ बातों में सेम है और कुछ बातों में डिफरेंट है। होता है ना कि हम हमारे पापा से दिखते हैं और हमारे मम्मी जैसे नहीं दिखते हैं, या फिर कुछ बातों में हम पापा जैसे होते हैं कुछ बातों में मम्मी जैसे होते हैं, या फिर हो सकता है कुछ बातों में हम दोनों जैसे ही नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे, लुक एट द गिवन पिक्चर, वंदना एंड हर फादर हैव कर्ली हेयर, वंदना सिस्टर इज टॉलर देन हर। ठीक है ना, देखिए आप वो पिक्चर देखिए पेज नंबर 12 पे, है ना, वंदना के जो वंदना और वंदना का जो फादर है उन दोनों के जो हेयर है, देखिए बाल जो है वो कर्ली है, कर्ली मतलब घुंघराले हैं, दिख रहा है आपको, एंड वंदना की जो सिस्टर है वो टॉल है, किससे, वंदना से। इन एवरी फैमिली देयर आर सम सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन फैमिली मेंबर्स, ऐसी बहुत सारी हर एक फैमिली होती है जिसमें कुछ फैमिली मेंबर्स में सिमिलरिटीज होती है तो कुछ डिफरेंस होता है, होता है ना, किसी में हम पापा जैसे दिखते हैं या किसी बार हम पापा जैसा नहीं होता है या मम्मी जैसा नहीं होता है। ठीक है ना, कुछ चीजें को हमारे जैसे हमें पापा जैसा मिल जाती है और कभी कभी कुछ चीजें हमें नहीं मिलती है, तो ऐसी सिमिलरिटीज और डिफरेंस जो है हमें हर फैमिली मेंबर्स में जो है दिखता है। ईच पर्सन हैज सर्टन ट्रेट्स और क्वालिटीज दैट आर टिपिकल ऑफ दैट पर्सन। ठीक है ना, हर पर्सन की एक क्वालिटी होती है, एक ट्रेट होता है। ठीक है ना, ट्रेट मतलब क्या, ट्रेट्स मतलब उसकी क्वालिटी, हर पर्सन के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो उसको एक अलग से अपना खुद का एक अलग जो है पर्सन बनाती है, सबके अंदर एक अलग अलग कुछ चीज है। ठीक है, दिस ट्रेट्स और क्वालिटीज इंक्लूड हाइट। अभी क्वालिटी किस चीज में हो सकती है, हाइट में हो सकती है, आपकी हाइट सबसे लंबी हो आपके परिवार में। ठीक है, आपकी स्किन कलर, आप सबसे ज्यादा फेयर हो।
ठीक है, आपका टेक्सचर जो हो कलर का वो भी हो सकता है, ठीक है, किसी के थोड़े से गोल्डन टाइप बाल हो सकते हैं, जिसके ज्यादा पूरे ब्लैक होते हैं, होता है ना, जिसके कर्ली होते हैं, ठीक है ना, शेप ऑफ द आईज, ठीक है ना, किसी की आईज बड़ी होती है, किसी की आईज छोटी होती है, किसी का आई का जो है कलर जो है ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, देखा होगा आपने, तो सबका जो है अलग अलग कुछ ना कुछ सिमिलेटेड मेंबर्स में मिलती या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, शेप ऑफ द नोज, शेप ऑफ द लिप्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वालिटीज जो है देख सकते हैं फैमिलीज के मेंबर्स में, ठीक है ना। वंदना इज डिम्पल्स, हर पेरेंट्स और सिस्टर डू नॉट हैव डिम्पल्स। अब देखिए यहाँ पे वंदना के जो है यहाँ पे डिम्पल्स पड़ता है, डिम्पल देखा ना आपने जब आप हंसते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक डिम्पल पड़ता है, ठीक है, बट उनके जो पेरेंट्स है या फिर उनके जो सिस्टर है उनके जो तीनों के डिम्पल्स नहीं है। तो ये देखिए ये डिफरेंस है, वंदना के डिम्पल्स है बट उनकी फैमिली में किसी के भी पास किसी के भी डिम्पल नहीं है। हर मदर टोल्ड हर दैट हर मैटरनल ग्रैंडफादर्स ग्रैंड मदर हैड डिम्पल्स, उनकी मम्मी ने बताया कि जो आपकी जो नानी माँ थी उनके डिम्पल्स जरूर थे, ठीक है। समटाइम्स ट्रेट में बी सीन ओनली इन द ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, कभी कभी जो है ट्रेट क्वालिटी होती है वो आपके दादाजी और आप हो सकते हो, ठीक है, मतलब वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स और आपके अंदर जो है दिखती है, ठीक है ना, मतलब कोई होता है ना कि आप आपके दादाजी जैसे दिखते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स में आपके आपके और आपके पेरेंट्स में कोई सिमिलरिटीज नहीं, बट आपके और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में जो है कुछ सिमिलरिटीज। अब चलिए पेज नंबर 13 पे आइए, ठीक है, पेज नंबर 13 देखिए, ऑब्जर्व द ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू शेयर विद योर डिफरेंट फैमिली मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड फिल इन द टेबल वन इज डन फॉर यू एज एन एग्जांपल, ठीक है ना। आपको कुछ ऐसी क्वालिटीज या कुछ ऐसी ट्रेट्स मतलब क्या, कोई भी क्वालिटी आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी हो जो आपके आपको आपके फैमिली मेंबर से डिफरेंट बनाती हो या फिर आपको आपके फैमिली मेंबर जैसा बनाती हो, ठीक है ना, तो वो आपको इस टेबल में फिलअप करना है। एग्जाम्पल दे रहेगा ट्रेट माइंड और दिस इज सिमिलर, ठीक है ना। ट्रेट में क्या दे रहेगा, ट्रेट मतलब क्वालिटी, ट्रेट में क्या कौन सी क्वालिटी, आई का कलर है ना, आपको किसी किसी के यहाँ अंदर जो है वो किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेट एक दे रखा आई कलर और किसका माइंड मतलब मेरा कैसा ट्रेट है, मेरा आई कलर कैसा है, ब्राउन है, किसके सिमिलर है, किसके जैसा है मेरा, दिस सिमिलर टू माई पेरेंट्स, ये मेरे जो है पेरेंट्स जैसा, ठीक है ना, उनके भी जो है पेरेंट्स की मेरे आईज जो है ब्राउन है, तो मेरी भी आईज क्या है ब्राउन, ये क्या है मेरी सिमिलरिटी जो है मेरे पेरेंट्स से मिल रही है। तो ऐसे तीन कॉलम और दे रखे हैं आपको और आपको आगे फिलअप करना है और ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जैसे कर्ली हेयर है तो कर्ली हेयर किसके हैं, मेरे, किसके जैसे हैं, दिस इज सिमिलर टू, वहां पे आप लिख देंगे किसके जैसे फादर मदर, तो आप ऐसे उसको फिलअप करिएगा। आगे बढ़ते हैं, वंदना नोटिस सम अदर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन हर एंड हर फैमिली मेंबर्स। देखिए यहाँ पे वंदना जो है यहाँ पे नोटिस करती है कि कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंस है मेरे और मेरे फैमिली के बीच में, ठीक है ना, मेरे फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में मेरे और उनके बीच में जो है कुछ समानता है और कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है ना। क्या है देखिए, पहला बिहेवियर दे रखा है, दूसरा फूड हैबिट्स और तीसरी एक्टिविटीज। बिहेवियर में क्या है तो देखते हैं, शी एंड हर सिस्टर सीट इन सिमिलर वे, दे बोथ क्रॉस देयर लेग्स एट द एंकल्स, ठीक है ना। तो वो जो वंदना है और उनकी जो सिस्टर है वो दोनों एक जैसे सेम पोज में जो है सेम सिमिलर वेज में जो है बैठते हैं, ठीक है ना। दे बोथ क्रॉस देयर लेग्स एट द एंकल्स, ठीक है, एडी से जो है अपने पैरों को क्रॉस करके वो बैठती है। दोनों की जो बैठने की जो स्टाइल है या बैठने का जो तरीका है वो एक जैसे सेम है। आगे देखते हैं फूड हैबिट्स, शी लाइक्स टू ईट फिश व्हाइल हर सिस्टर लाइक्स टू ईट चिकन, ठीक है ना। पर अगर फूड हैबिट्स में देखें तो दोनों की जो है पसंद अलग है, देखो तो उनको वंदना को जो है क्या पसंद है, फिश पसंद है, जबकि उनकी सिस्टर को क्या पसंद है, चिकन खाना जो है पसंद है। अगर एक्टिविटी में देखें तो आगे देखें, शी लिव्स लव्स टू डांस व्हाइल हर सिस्टर लाइक्स टू पेंट, जो है वंदना जो है वंदना को क्या पसंद है, डांस करना पसंद है, जबकि उनकी सिस्टर को क्या पसंद है, पेंट करना पसंद है। तो देख रहे हैं कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंस भी है, ठीक है। अगले कॉलम में देखिए, शी हैज अ लाउड लॉफ लाइक हर फादर, ठीक है ना। जो है वो वंदना जो है बहुत जोरों से हंसती है अपने फादर की तरह, ठीक है, लाउड लॉफ मतलब जोर से हंसती है, ठीक है। टू डेविड्स में देखिए, शी हैड्स पीस बट हर सिस्टर लव्स देम, ठीक है। शी हैड्स पीस, पीस मतलब क्या होते हैं, मटर के दाने, ठीक है ना। उन्हें जो है वंदना को जो है मटर के दाने पसंद है पर उनकी सिस्टर को जो है, सॉरी, शी हैड्स पीस, ठीक है ना, वंदना को पसंद नहीं है, हैड मतलब घृणा करना, नहीं पसंद है, जबकि सिस्टर को जो है उनके पसंद है। और एक्टिविटीज में ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लाइक टू प्ले टेनिस, और अगर यहाँ देखिए एक्टिविटीज में तो एक्टिविटीज में सारी सिमिलरिटीज है सभी डिविजन में, क्या सभी को जो है टेनिस खेलना पसंद है। लास्ट देखिए, शी स्नीजेस लाइक हर मदर, अब ये सिमिलरिटीज क्या है, एक मदर की जैसे सिमिलरिटी है वंदना के पास, क्या कि वो जो स्नीज मतलब छींकना, छींकती किसकी तरह है, वो मदर की तरह है। तो ये कॉलम आपको दे रखा है, इसको आप वापस स्टडी करिएगा, घर से पढ़िएगा जरूर, ठीक है। इसमें दे रखा है कि वंदना की जो सिमिलरिटीज है वो डिफरेंस है वो क्या क्या है। आगे देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल ट्रेट्स मेंबर्स ऑफ द फैमिली में रिसेंबल ईच अदर इन देयर बिहेवियर, ठीक है ना। फिजिकल ट्रेट्स मतलब शारीरिक तौर से जो क्वालिटीज हैं वो तो फैमिली जो मेंबर्स, फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं उनको जो है
रिसेंबल इच अदर इन देयर बिहेवियर, ठीक है ना, उनको जो है अपने फैमिली के मेंबर से जो है रिसेंबल कराती है। रिसेंबल मतलब क्या होता है, रिसेंबल मतलब उनके जैसा जैसा बनाती है, ठीक है ना। कुछ क्वालिटीज छोड़ के कुछ बिहेवियर भी होते हैं, मतलब फिजिकल क्वालिटी को अगर छोड़ दें तो कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं, जैसे कि हम मान लो गुस्सा करते हैं तो हमको गुस्सा किस तरह से करते हैं हम, जैसे हमारे पापा करते हैं, तो ये क्या है बिहेवियर जो है हमारा, जो है हम दोनों दिखते हैं एक जैसे नहीं, पर हमारा जो बिहेवियर है वो क्या है रिसेंबल है। रिसेंबल मतलब हम एक दूसरे ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है ना। रोते हैं तो रोते किसके जैसे, मम्मी जैसे रोते हैं। तो ये कुछ बिहेवियर भी होते हैं जो हम दोनों को हमें और हमारे पेरेंट्स में जो है सिमिलरिटीज बताती है। समटाइम्स अवर लाइक्स डिसलाइक्स एंड बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस बाय द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिलीज, ठीक है ना। कुछ लाइक्स या कुछ डिसलाइक्स या कुछ बिहेवियर जो होता है वो हमारे फैमिली मेंबर से हमें इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करता है। कुछ कुछ हम दादाजी जैसा करते हैं काम, या कुछ हमारे दादी जैसा काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ बिहेवियर सिमिलरिटीज जो है हमें मिलती रहती है। दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय अवर कल्चर। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल डो नॉट लाइक हैविंग नॉन वेजिटेरियन फूड, सम पीपल डो नॉट एड गार्लिक और ऑनियंस इन देयर फूड। और कुछ कल्चर के द्वारा भी जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कुछ लोगों को जो है नॉन वेजिटेरियन फूड पसंद नहीं है, या कुछ जो लोग है वो कुछ क्या कहते हैं लहसुन और प्याज जो है खाने में पसंद नहीं देखते हैं ना, ठीक है ना। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेज एंड नॉट मेक वन ऑफ एनी वन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हमें जो है उनको मजाक उड़ाना चाहिए, तुम तो यह नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तुमको ये पसंद नहीं है, तुम नहीं। हमें सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसी का भी कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सबकी क्वालिटी जो है अलग अलग होती है, तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जो है चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसकी जो भी एक्टिविटीज हैं या फिर इसकी जो भी मैंने आपको बताया है उसको आप कंप्लीट करिएगा, और इनकी जो एक्सरसाइज है उसे आप करने की कोशिश करिएगा। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और अपना सभी का ध्यान रखें, आप अपनी फैमिली का ध्यान रखें, ठीक है, और हाथ धोते रहें। थैंक यू।